हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे क्लास टेंथ की एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली जो चल रहा है आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले के सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, छठवां नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि उस एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 31st टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, जबकि इसमें दिया है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है ये, हमें दिया है गिवन A11 कितना दिया है 38, और इसमें दिया है क्या A16 कितना दिया है 73। हमें 31st पद ज्ञात करना है। सिंपल सा फार्मूला हम लगा के 31वां पद निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें A और D मालूम होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। तो हम इन दोनों की सहायता से A और D का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? देखो बच्चा, ये फार्मूला होता है ऑल इन वन, आप सबको पता है, हाँ, N-1 × D। ये हर एक क्वेश्चन में लगता है। A11 मतलब कौन सा पद है ये, कौन सा है भैया? अरे A11 मतलब कौन सा दिया है, 38वां पद है ना। तो A का मान हमें नहीं पता है, N मतलब 11वां है, -1 × D। यहाँ पर आगे बढ़ते चलो तो A प्लस ये 10D, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसमें से घटेगा 10 हो जाएगा, ये D का गुणा हो गया, ये 1st समीकरण बन गया। इसी तरह से इसमें करोगे बच्चा तो A=N-1 × D, ये आपका फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। A11 का वैल्यू 73 दिया है, A+16-1 × D, यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आया? समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा लेंगे, ठीक है। आप लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, समीकरण ये सेकेंड माइनस समीकरण 1, नीचे दिख रहा है ना आपको? ऐसा तो नहीं कि मैं नीचे लिखूं और वो बाहर कहीं चला जाए, ना दिखाई पड़े, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो, समीकरण 2 आपका जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। भाई इतने समझदार हो तुम, चाहे तो हम इसको आगे लिख लें, इसको पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम वैसे कर लेते हैं जिससे देखने में भी सुंदर लगे, हाँ, ये लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला समीकरण है A+10D = 38, दोनों घटाना है, घटा लो, हाँ, सभी चिन्ह बदल जाते हैं घटाते टाइम, समीकरण घटाना तुम जानते हो, कक्षा 9 में पढ़े हो। इनको घटाओगे बच्चा क्या होगा, ये 5D, और ये इसमें से घटेगा जब, देखो ये बराबर का साइन है और यहाँ पे चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा। आप घटा के देखो, इसमें से 5 आएगा और ये 3 यानी 35 आएगा ना, ठीक है। डी का मान कितना आएगा बेटा यहाँ से, 5 × 7 = 35। आपको पता है जब उधर 5 जाएगा तो भाग में हो जाएगा 7 आएगा डी का मान, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें डी का मान मिल गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लो नीचे, जैसे समीकरण हल करते आए हो जिंदगी भर बुढ़ा गए, वैसे करना है। डी का मान समीकरण 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे पढ़े नहीं हो यक्स का मान आ जाता था तो वाई का मान के लिए समीकरण अगले मान रख के निकाल लेते थे। तो समीकरण 1 था आपका A+10D = 38, ठीक है, रख देते हैं। डी का मान कितना आया बच्चा, 7 आया है, बराबर 38, तो ए बराबर, देखो थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, ये 38 ऐसे ही रहेगा, ये 10 × 7 = 70 हो जाएगा, 70 जब उधर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ए का मान माइनस का 32 हो जाएगा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अबे ऐसे बोल दो, डी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, शुद्ध है ना। अब ए और डी का मान रख के आप 31वां पद ज्ञात कर सकते हो कि नहीं ज्ञात कर सकते हो, बता दो मुझे, अगर इसमें भी कोई आफत है तुम्हें तो, हाँ, कर सकते हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छा। जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, जल्दी से कर दीजिए, और जो इस सेशन को लाइक नहीं किए वो इसको करना ना भूलें, हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी भी थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी होती है, समझिए। देखिए, अब इधर मैं फाइनल कर देता हूँ, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें। पहले बेटा आपको ये लगाना है यहाँ तक, जैसे मैंने समीकरण 1 बनाया था, फिर आपको समीकरण 2 बनाना है, उसके बाद आपको ये चीज़ करना है, फिर ये करना है, और फिर ये करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अगर आपके कॉपी में जगह है तो आप नीचे ऊपर लिखते चले जाओ, या अगल बगल ना करो, हाँ, चलो। तो अब हमें A31 पद निकालना है, 31वां पद ना, ठीक है, 16
सिंपल सा बात है, हमें ये निकालना है, हमें नहीं पता है। चलो ये सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें इकतीसवां पद निकालना है। हाँ, तो इस पे हम क्या रख सकते हैं, इसको ऐसे ना लिखो गंदा गंदा, ए 31 लिखो अच्छा लगेगा। ए का मान माइनस 32 आया है, मैंने एन की जगह पे 31 लिखा है क्योंकि हमें इकतीसवां पद निकालना है। यहाँ पर क्या करोगे बच्चा, ए प्लस एन की जगह पे 31 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 7 आया है, अभी अभी निकला था 7 आया है। क्या इधर दिख रहा है, क्योंकि ये मोबाइल में मुझे समझ में नहीं आता कहाँ तक दिख रहा है कहाँ तक नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे बार बार भाग भाग के जाके देखना पड़ता है। यही तो लफड़ा है ना, माइक्रोफोन ख़राब हो गया, इस वजह से आपकी बड़ी वाली लाइव नहीं हो पा रही, एक एक घंटे वाली। हाँ चलो ठीक है, वो भी मुसीबत दूर हो जाएगी। देखो बेटा ये घटेगा तो 30 आएगा, 30 का 7 में गुणा करोगे, फाइनल में आपका ये माइनस का 32, यहाँ से समझते चलो थोड़ा थोड़ा, 70 का वो 30 का 30 का 7 में गुणा करोगे 210 आएगा। घटाना तुम जानते हो बहुत अच्छे से, इनको A31 ऐसे उतारते जाओ, A31 उतारते जाओ अच्छा लगेगा, घटाओगे 178 आएगा, यानी आपका जो 31वां पद था वो 178 होगा। कितना मज़ेदार है ना, पूरा एक ही पेज में आ गया, हल हो गया ना, है ना, कितना अच्छा। लिख लीजिए जो भी साथी हमारे क्लास को लाइक नहीं किए, तुरंत कर दें। बच्चा जैसे माइक्रोफोन बन जाता है आपकी एक एक घंटे की लाइव चलेगी दोपहर 2 बजे से। और हाँ, इस क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलना। देखो जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं ना उतना ज़्यादा मस्त क्लास होती है, दिल करता है कि कितना बड़ा पढ़ाऊँ मैं, कितना बेहतर पढ़ाऊँ, मतलब सब कुछ दे दूँ तुम्हें। लेकिन अगर वही लाइक शेयर नहीं करते हो तो आत्मा अंदर से जवाब नहीं देती। फिलहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू, क्लास को शेयर करना नहीं भूलना। अगली क्लास आपकी पूरे एक एक घंटे की होगी, बस आप ही थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। हाँ, नंबर भी देखो नीचे दिया, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रीन पे देखो नंबर मैंने लिख दिया है। हाँ देख लो इसको, जल्दी से फट से देख लो, इसको ले लो। इस पे अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है व्हाट्सअप का तो लिख के भेज दो, मुझे 10th का ग्रुप ज्वाइन करना है, साथ में अपना नाम, क्लास का नाम और जिले का नाम भी भेज देना। ठीक है, क्लास नाम और जिला नाम व्हाट्सअप पे भेजना, बोल देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। सिर्फ हाय हेलो भेजने से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, जय हिंद।